आई एम माओ फ्रेंड्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। सो गाइस हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर जस्ट सेलिब्रेटिंग 1K सब्सक्राइबर फैमिली। सो ये व्लॉग बड़ा छोटा है गाइस, तो इसे पूरा देखिएगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस व्लॉग। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कर्टन्स हमने चेंज कर दिए हैं एंड जितना हो सके हम आज व्हाइट एंड रेड कलर का करने वाले डेकोरेशन, बिकॉज हमने ये थोड़ा बहुत जो हमारा थीम है वो यही डिसाइड किया है। सो हमने डेकोरेशन करीबन दोपहर में कर लिया था एंड या डेकोरेशन इज डन। सो विद इन हाफ एन आवर्स डेकोरेशन तो हो गया था एंड हमने ये कैनोपी बनाई है। सो इतनी एस्थेटिक हमारी ये कैनोपी बन चुकी है गाइस। सो पूरा रेड रेड एंड इतना अच्छा डेकोरेशन, ओ माय गॉड, किसी भी बर्थडे में भी हमने नहीं किया होगा जितना मुझे ये डेकोरेशन इतना अच्छा लगा। सो माय गॉड एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर्स, आई एम सो ग्लैड फॉर दैट एंड या। सो अभी फटाफट से हमारा जो सेलिब्रेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आप सभी को मिलवाती हूँ मेरी कजिन से, जिनको मैं आज बहुत ज्यादा थैंकफुल करना चाहती हूँ बिकॉज ये पूरा ऑर्गेनाइज उन्होंने किया है। सो इतना अच्छा डेकोरेशन उन्होंने किया है, वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो मैं जल्दी से उन्हें केक खिलाती हूँ। सो आ जाओ आप दोनों। लेकिन अब है बारी मेरे सबसे ज्यादा स्पेशल मेंबर, दैट इज माय सिस्टर। सो अब मैं अपनी सिस्टर को बुलाऊंगी और उसे केक खिलाऊंगी, क्योंकि वो उसके बिना तो यूट्यूब पूरा ही अधूरा है। सो दीदी इधर आओ जल्दी से। सो गाइज अभी हम नेक्स्ट डे आए थे इस रेस्टोरेंट में एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं, मेरे पेरेंट्स एंड माई कजिन्स, माई सिस्टर, हम सब आए एंड यहाँ पे ये पूरा नेचुरल है। ये पहली बात तो ये रेस्टोरेंट एंड आप देख सकते हो कि सब कुछ ऐसे ट्रीज से बना हुआ है, यहाँ पे चेयर्स वगैरह एंड ये देखिए यहाँ पे ये चूल्हा एंड बहुत अच्छा है ये। सो यहाँ पे मैं चल रही हूँ एंड यहाँ पे बेल्स वगैरह लगाई हुई है। सो यहाँ पे है ये एक्वेरियम, ये स्वान एंड या। तो हमने सबसे पहले स्टार्टर ऑर्डर किया, तो सबसे पहले हमने रुमाली खाकरा वेज सेजवान चटनी एंड वन मोर थिंग दैट इज मंचूरियन। सो यस एंड अभी है लंच टाइम। सो यहाँ पे हमने लंच में भी बहुत कुछ ऑर्डर किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये है शार्क एंड ये वाली है टर्टल। तो यहाँ पे टर्टल है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था इनको देखने में। इसी के बाद लंच के बाद हम आए गार्डन घूमने के लिए। सो यहाँ पे इसी होटल में एक गार्डन भी है, सो दैट इज़ पार्क एंड काफ़ी अच्छी अच्छी जगह। ये देखो ऑस्ट्रिच भी है यहाँ पे एंड वाओ बहुत मज़ा आया। सो हम ज़्यादा तो नहीं घूमे यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और मम्मा को थोड़ी शॉपिंग करनी थी इसलिए। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस सेलिब्रेशन एंड या आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपके लिए केक नहीं दिखवाया, तो ये पूरा एक केक आपके लिए था गाइज एंड या। सो अब देखोगे कि इतना अच्छा ये टेंट वगैरह बनवाया है या मैंने आपको थोड़ी सी इसकी बिहाइंड द सीन भी डाल दी है एंड अभी बहुत रात हो गई है तो अभी हम डांस करने वाले हैं। सो गाइस हो सके तो मैं डांस का थोड़ा सा क्लिप डाल दूँ, लेकिन नहीं डाला मतलब समझ लेना कि बहुत रात हो गई थी तो वी वर सो टायर्ड एंड या।
ये देखिए गाइस, ये जो है ना, इससे तो मुझे पूरा हटाने का मन नहीं कर रहा है। इतना क्यों, इतना अच्छा लग गया हूँ मुझे यहाँ पे, मुझे अपना घर बसाने का मन कर रहा है, इतना मस्त लग रहा है। सो या गाइस, दैट्स ऑल एंड वंस अगेन थैंक यू सो 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 मच फॉर 1K सब्सक्राइबर्स एंड लव यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू, बाय फ्रेंड्स।